भाई सामने सामने से निकाल रहे यार, पीछे से निकाल लो थोड़ा। आई लाइक बर्गर, चले आप चले जाओ। टिंग 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 टिंग। So what's up guys, welcome back to another mukbang। आज का mukbang होने वाला है What Up Burger पे, जो कि आज से पहले मैंने कभी भी ट्राई नहीं करा है, तो मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ। साथ ही साथ एक मेरी स्कूल टाइम की जूनियर विधि कपूर, उन्होंने मेरे लिए एक ये हैम्पर भेजा है, वीडियो में आगे करेंगे इसके बारे में बात। बट आज का mukbang स्टार्ट करने से पहले एक कॉमन क्वेश्चन जो कि रिसेंटली मेरे से बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है कि मैं कौन सा मल्टी वाइटमिन यूज़ करता हूँ अपने डेली रूटीन में। मतलब हेल्थ से रिलेटेड मुझसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी फिलहाल मल्टी वाइटमिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है ओजीवा का डेली मेंस मल्टी वाइटमिन। अब यही मल्टी वाइटमिन मैं क्यों यूज़ करता हूँ और दूसरों को भी यही क्यों रेकमेंड करता हूँ, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सो अश्वगंधा, मूसली, सफ़ेद, वलेरियन रूट, कवच बीज, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हर मल्टी वाइटमिन में ईजिली नहीं मिलती है। बट ये सभी हर्बल एक्सट्रैक्ट हमें मिल जाते हैं ओजीवा के डेली मेंस मल्टी वाइटमिन में, और ये हर्बल एक्सट्रैक्ट हमारी बॉडी को स्टैमिना और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इतना ही नहीं, इसमें वाइटमिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई, एन, के भी है, जो हमारी इम्यूनिटी को एनहांस करता है। साथ ही हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है बाय मेंटेनिंग टेस्टोस्टेरोन लेवल इन द बॉडी विद अकारकरा हर्ब। बेटर ब्रेन फंक्शन को प्रमोट करता है, नर्वस सिस्टम को हेल्दी बनाता है, फैट्स के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स लाइक ट्रिप्टोफैन एंड कोलीन। अब जो मैं बताने वाला हूं ये एक पर्टिकुलर चीज मैं बहुत बार बता चुका हूं कि एक हेल्दी बॉडी के लिए क्वालिटी स्लीप आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ओजीवा का मल्टीविटामिन हमारी स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करता है। साथ ही साथ ही हमारी बॉडी में सेरोटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ाता है, जो कि एक हैप्पी हार्मोन है, और वो मूड अपलिफ्टमेंट में हमारे बहुत ही ज्यादा मदद करता है। सो इसीलिए ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए। मोर ओवर इनोसिटॉल की हेल्प से ये मल्टीविटामिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है इंसुलिन सेंसिटिव बॉडीज के लिए भी। एंड द बेस्ट पार्ट इज इट्स 100% क्लीन एंड वीगन, सोया फ्री, नो प्रिजर्वेटिव्स, नो आर्टिफिशियल कलर्स और स्वीटनेस आर यूज्ड। इसका सर्विंग साइज है एक टैबलेट, जो कि आपको डेली कंज्यूम करनी है अपनी मील के एक घंटे बाद। 60 टैबलेट्स आती हैं इसमें, तो ये आपका 2 महीना चलेगा, और इसका MRP है 499। अब इसके कंजप्शन की बात की जाए तो कोई भी इसे कंज्यूम कर सकता है, बस एल्डरली पीपल या प्रेग्नेंट वीमेन या फिर कोई भी ऐसा जिसकी पहले से कोई दवाइयाँ चल रही हैं वो अपने डाइटिशियन या फिर डॉक्टर को कंसल्ट करें इसे कंज्यूम करने से पहले। मैं खुद इसे काफ़ी टाइम से यूज़ करता आ रहा हूँ और ये चीज़ मेरे लिए परफेक्ट साबित हुई है। अगर आपको भी ये ट्राई करना है तो फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, डू चेक इट आउट। अब फटाफट से आइटम्स ले आते हैं वापस। सो भाई फाइनली दिस इज इट, What Up Burger से ये सभी चीजें मैंने ऑर्डर कर रखी हैं। पार्टी फॉर 4 कॉम्बो, जिनमें ये 3 बर्गर हैं। एग्जैक्टली मेरे को नाम नहीं पता क्योंकि अभी वो मेन्यू से ही हट चुका है, पता नहीं क्यों। सो एक शायद से पनीर मखनी है, एक वेज सिग्नेचर है और एक और है कुछ वेज ही। सो ये 3 बर्गर्स, अनियन रिंग्स, 3 पीस पिज्जा पॉकेट, एक पीछे की साइड ये सैंडविच जो कि बहुत ही ज्यादा गजब लग रहा है दिखने में, साथ ही साथ ये पेरी पेरी फ्राइज, 2 ऐसे कोकोनट मोइटो और 2 कोक, ये सभी के सभी आइटम्स पार्टी फॉर 4 कॉम्बो में आते हैं और इनका प्राइस है 990 रुपीज। इससे एक्स्ट्रा जाके मैंने अपने लिए एक और बर्गर बना रखा है, वेज वॉबर, ट्रिपल लेयर्ड बर्गर है, और इसमें मैंने एड ऑन किया है चीज बॉम्ब, इसका प्राइस है 308 रुपीज चीज बॉम्ब को इंक्लूड करके। पीछे की साइड है मेरे पास चीजी लोडेड फ्राइज, प्राइस है 200 रुपीज, क्वांटिटी इतनी है जितनी आपको दिख रही है। और बाकी रही अपना ये विधि के हैम्पर की बात, तो यार अभी इधर जगह नहीं है, तो पहले इन आइटम्स को फिनिश करेंगे या जितना भी हो सकता है उतना खाएंगे, उसके बाद इसे खोलेंगे। डेजर्ट्स वगैरह हैं इसमें, फटाफट से करें आज का वीडियो स्टार्ट। अगर आप में से किसी ने बाउंटी चॉकलेट खा रखी है, उसकी कैंडीज खा रखी है, एग्जैक्टली वही टेस्ट आ रहा है, बट थोड़ा सा मिंटिश। अनियन रिंग से भाई स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स, लेट्स गो इन। ये प्रॉपर अनियन रिंग्स नहीं है, इतने बड़े अनियन यहाँ आते ही नहीं है। ये सैमयांग का सॉस ट्राई करते हैं, चिली सॉस। ओहो हो भाई ये तो, ओ तनु भाई ये वही है, तो उस नूडल्स के साथ आता है ना, ये वही है। सॉस नहीं है ये कुछ चीज़ स्पाइसी करने के लिए बस सामान है। और इसका ओ माय गुडनेस, कलर देखो ज़रा।
मुझे नूडल्स की याद आ गई, बड़े बड़े हो रहे हैं भाई पिज़्ज़ा पॉकेट। अब बस ये सॉस का कलर देखो, ये ना मेरे को पिज़्ज़ा मैकपफ की बहुत ज़्यादा याद दिला रहा है, बहुत ज़्यादा। ऑलमोस्ट वही टेस्ट है भाई। पेरी पेरी फ्राइज के लिए अभी तक जगह नहीं रही, हम निकाल देते हैं जरा थोड़े से आगे। इंग्लिश में सिर्फ इसमें सैमयांग लिखा है और कुछ नहीं, तो एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा है कि ये सॉस बोलूँगा इसे कि सीजनिंग बोलूँगा, पता नहीं। बट जो भी है एडिक्टिव है। एडिक्टिव है। बाकी फ्राइज नॉर्मल फ्राइज हैं, कोई मतलब एज सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेस्ट नहीं है फ्राइज का। ये वाला बर्गर ट्राई करते हैं। पनीर पैटी, अकेला वो बर्गर है जिसमें पनीर है, बाकी इनमें कुछ ऐसा पनीर का नामो निशान नहीं था। तो मैं रिस्क नहीं लूँगा, तो मैं उसको बात के लिए बचा के रखूँगा जस्ट इन केस प्रॉपर वेज मेरे को ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। तो ये देख लो भाई ऐसा कुछ। देखो जेन्युइनली मैं आपको एक बात बताऊँ, जेन्युइनली आई एम नॉट अ बर्गर पर्सन। कोई मुझसे बर्गर या पिज्ज़ा में चूज करने को बोले तो डेफिनेटली आई विल गो विद पिज्ज़ा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को बर्गर पसंद ही नहीं आते, आई लाइक बर्गर। पहले आप चले जाओ। इन बर्गर्स की मैं अगर क्वालिटी की बात करूँ तो भाई काफ़ी अच्छे अच्छे फूड चेन से अच्छी है। अंदर एक बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लेटस का प्रॉपर एक गोल लीफ डाल रखा है, असेंबल कर रखा है बर्गर को बहुत ही अच्छी तरह से। हालापीनियोस भी दिख रहे हैं मुझे इसमें, प्रॉपर लेटस मुझे मैकडी के भी बर्गर्स में देखने को नहीं मिलती है हाल फिलहाल, तो ये चीज़ मुझे इनकी पसंद आई। मैं सीरियसली समझ नहीं आ रहा कि इसके अंदर पैटी किस चीज़ की है। मतलब एक बहुत ही नोन टेस्ट है बट दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा कौन सा है। लेकिन बढ़िया है, इसमें मजा आ गया और मेरा गला खराब है बट मन कर गया मेरा परंपरा का। और इनका सैंडविच मुझे लगा था कि सबवे स्टाइल में होगा कुछ, बट दिस इज एंटायरली डिफरेंट थिंग भाई, ऐसा कुछ है। ओहो नीचे गिर गया थोड़ा सा, लेट्स सी हाउ इट इज। भानु भैया भाई क्या बदतमीजी यार, कैसा है रिव्यू? बढ़िया बढ़िया वाला खा के देखो। नहीं मैं डाइट
तो हाथ क्यों आके बढ़ा रहे फिर? अरे ऐसे मगर नीचे मत गिराना। पनीर ठीक है सेंटर वाला खा लो। नहीं नहीं तू खाएगा ना पहले तो। चलो खा लो नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं मेरे को सच में नहीं वीडियो में नहीं आ रहा। तू खा ना बच्चे को तो दे दियो थोड़ा। तो भाई इसके अंदर पनीर है और लेटस है, टोमेटोज, अनियन, बेल पेपर, अगर मैं आपको टेस्ट समझाने की कोशिश करूं तो किसी भी अच्छी बेकरी में तो जो उनके अपने फैंसी आइटम्स रहते हैं ना सैंडविच वगैरह तो सेम वही टेस्ट आ रहा है इनमें जैसा उनमें आता है। मेरे लिए इट्स नॉट समथिंग जो मैं रीऑर्डर करूँगा सिर्फ ये सोच के कि मुझे इनके सैंडविच की याद आ रही है, समझ लो, या मुझे इनके सैंडविच का टेस्ट याद आ रहा है। बहुत ही कॉमन टेस्ट है सैंडविच का। और प्लीज़ बुराई करने के उसमें नहीं बोल रहा हूँ, एक जेन्युइन अपना रिव्यू दे रहा हूँ और कुछ नहीं। बारी आ चुकी है स्ट्रिपर लेयर्ड बर्गर की, अगर टेस्टी बात तो भानु भाई अगले भी बचाएंगे। दो ओ तेनु एक पैटी, इसके नीचे एक और पैटी, एक बन और नीचे एक और पैटी, भाई तीन पैटी हैं इसमें। लेट्स गो इन, लेट्स गो इन नॉट गोइंग। कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट कर रखा था कि भाई लेट्स गोइंग क्यों बोलते हो, तो लेट्स गोइंग नहीं है गो इन है, लेट्स गो इन फॉर अ नाइस बाइट। अब इस यूनिकनेस की बात कर रहा था, मतलब इसका टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है कि मैं इसका टेस्ट याद करके दोबारा मंगा सकता हूँ कि यार मेरे को वो खाने का मन करता है, और इसके जैसा और कुछ नहीं। तो ये अपने आप में एक यूनिक चीज़ है। और ये तो भानु भाई के लिए बचाना पड़ेगा क्योंकि बढ़िया हो रहा है, सही में बढ़िया हो रहा है। इसके साथ बहुत चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे फ्राइज डाल सकते हैं, पर आप मान लो मिस्त्री जी आप अपना काम बढ़िया करके करो। मेरे घर के पास कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो मैं दिन के 1 से 3 के बीच में आजकल मकबैंग कर दूँ क्योंकि उस टाइम उनका लंच वगैरह होता है। जिसका मैं कुछ ज़्यादा बड़ा फैन नहीं हूँ। ये बढ़िया हुआ और बारे में अगले बचाया था। जस्ट कन्फ्यूज्ड कि इसमें अनियन है भी या नहीं है, छोटे मोटे टुकड़े तो हैं बट बाकी आलू की फिलिंग है, क्यों कर रहा था ऐसा पता नहीं। मज़ा आया सैमयांग के सॉस में, मज़ा आ गया। फ्राइज नॉट अप टू द मार्क, और इतना खाने के बाद तो ये चीज़ मेयो वाला चीज़ आई कांट। पनीर मखानी बर्गर
ऑनेस्टली चार जनों का पेट तो नहीं भरेगा लेकिन स्नैक टाइप हो जाएगा, छुटकू मुटकू वैसा। बाकी ये 200 रुपये का एक्स्ट्रा प्राइस है। मेरी मानो तो अपना बताऊंगा, मैं तो नहीं मंगाऊंगा, ये गजब हुआ, बेस्ट मुझे आज यही लगा। और इतना सा मैं बचा रहा हूँ भानवे अगले, क्योंकि भानवे ने बोला था कि भाई टेस्टी हुआ तो बचा देना, एक छोटा भाई होने के नाते मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। फटाफट से भाई खोल के देखते हैं कि विधि ने क्या भेज रखा है। बैक स्टोरी, विधि कपूर मेरी स्कूल टाइम की जूनियर है और उन्होंने एक साल पहले अपना बेक स्टूडियो बाय विधि नाम से बेकरी खोली है, सॉर्ट ऑफ बेकरी। एक साल हो चुका है उनके इस बिजनेस को और एक साल होने की खुशी में ही उन्होंने मुझे ये बॉक्स भेजा है। भाई ऐसा कुछ है, द बेक स्टूडियो बाय विधि, ये इनका कार्ड है, पॉज करके आप देख सकते हो। अगर आप लोग देहरादून हो तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दीज। ओ तनु, लुक एट दिस, नाइस। भाई मेरी हिम्मत नहीं है इन सबको खाने की, बट मैं खाएगा जरूर। देखो आई एम अ पर्सन जिसको ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं है, मतलब ये सभी चीज़ें मीठे में आती हैं बट इनमें भी मीठे का ना एक रेशियो होता है, मतलब कुछ भी चीज़ ज़्यादा मीठी नहीं होनी चाहिए, वो बहुत ही अजीब लगती है। जब चीज़ों में ना एकदम परफेक्ट बैलेंस होना स्वीट का, मज़ा आता है, परफेक्ट मीठा था। ये है रेड वेलवेट, लुक एट दिस। अमेजिंग। ये एक्चुअली क्या, ये पक्का घी वाला बॉक्स मैं अपनी बहनों को दे देता हूँ इस बारी रक्षाबंधन में, ये बढ़िया गिफ्ट रहेगा यार, बहुत ही ज़्यादा गजब हो रहा है। अलग अलग फ्लेवर मंगाऊँगा तीनों के। हाँ भाई मज़ा आ गया। मेरे जैसे लोगों के लिए परफेक्ट है, ना ज़्यादा मीठा ना कम मीठा, एकदम परफेक्ट। और ये कल मेरे पास सुबह आ गया था, जब ये अभी ऐसा है तो एकदम फ्रेश फ्रेश, क्या गजब ही होगा। मज़ा आ गया, और अब ये खाना है। I have to say this, वो कितना भी बेहतरीन हो दिल ये लगे। I don't know ये कौन सा फ्लेवर है, मज़ा आ गया। इसका केक चाहिए मुझे, जो भी ये फ्लेवर था। अगर विधि वीडियो देख रहे हो, इस फ्लेवर का केक भी बनता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। मतलब उतनी हैवी एक मील के बाद परफेक्ट डिलाइट थी मेरे टेस्ट बड्स में। वंस अगेन थैंक यू सो मच विधि कपूर, द बेक स्टूडियो बाय विधि, इंस्टाग्राम में भी है, फेसबुक में भी है, आप जाके इनका पेज चेकआउट कर सकते हो। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे, आई जस्ट होप यू गाइस एंजॉयड टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड आई विल गेट यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन, पीस।